ऐसे को चुनकर भेजिए। वैसे साहब आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आप लोग इस इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे? इलेक्शन को तो बहुत सीरियस ले रहे, जब तुम्हारी पूरी टीम यहाँ हैदराबाद, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। नहीं, इनको सवाल पूछने का सिर्फ अधिकार है MIM से, बाकी लालू जी को नहीं पूछेंगे। नीतीश जी की, नीतीश जी तो घूम रहे हैं ना गोपालगंज में, घूम रहे हैं नीतीश जी, घूम रहे गोपालगंज में, सीरियस नहीं ले रहे। इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि नीतीश जी सीरियस नहीं है, मोदी जी सीरियस नहीं है, लालू जी सीरियस नहीं है, राबड़ी जी सीरियस नहीं है। तेजस्वी साहब तो है ना लालू के, बताइए ना सीरियस नहीं है क्या भाजपा ने मोदी जी ने? जी हमारे पड़ोसी हैं, आज से पहले 2-3 साल से वो जेल में है, 2 साल से, अब तक आपके पार्टी ने क्या किया उनके? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे पार्टी के कुछ जिम्मेदारान ने उनके कांटेक्ट किया है, कुछ जिम्मेदारों ने उनको कांटेक्ट किया है। सारिन साहब है उनका पहले केस, हम उससे रब्ता हुआ था, एडवोकेट सारिन साहब से रब्ता हुआ, शुरू में वकालतनामा दिया गया था, फिर उन्होंने डिसाइड किया दूसरे एडवोकेट, और उसके बाद मीरान साहब के लिए पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप राजद से पूछिए, वो राजद का प्रदेश अध्यक्ष वो नौजवान था, क्या तेजस्वी यादव, क्या राजद का कोई टॉप लीडरशिप उसके घर गया, उनकी वालदा को डायलिसिस होता है, क्या गया? हम तो गए नहीं, नहीं हम तो गए उसके, हम तो एडवोकेट रखे, लेकिन एडवोकेट जो जो होता है विक्टिम, उसके मिजाज से रखा जाता है। हमने आप पता कीजिए एडवोकेट सारिम साहब उसके पहले एडवोकेट, मीडिया है ना, सुनिए सुनिए, मीडिया को सवाल करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, तेजस्वी सबको बताया जाएगा। विधायक जब जा रहे थे तो उस टाइम आप लोग रोकने में रोक क्यों नहीं पाए उन्हें, उसका क्या बात हुई थी? देखिए अगर यादव आपके पार्टी को बी टीम बोलकर चले गए, पार्टी वाले भी बी टीम का इल्जाम लगाते हैं आप पे, और लोगों के जहन में भी भर दिया गया है कि आप लोग बी टीम है। बी टीम जो लोगों के जहन में और पार्टी के नेता के अंदर है, वो जो उनके जहन में चल रहा है उसको निकालने में आप लोग सक्षम क्यों नहीं है? देखिए अभी ये बी टीम बोला उन्होंने, लेकिन जो ए टीम के मेंबर थे वो तो उनके कैप्टन बन गए आके, ये तो बिना पैसे के लोटे हैं ना। सवाल है, मैं जवाब दूंगा अभी। भाजपा की बी टीम चुनाव लड़ रही है, उसे सावधान रहना है, बी टीम कौन है? बी टीम तो वो लोग ही है। अरे हमको ए से लेकर जेड टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो साबित करा ना, हम जहां से चुनाव नहीं लड़े वहां पर बीजेपी जीत जाती है, तो किस तरह से हम बी टीम बन गए? देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं आपके लिए, 2019 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारतवर्ष में 3 जगह से लड़ी, हैदराबाद से लड़े असद ओवैसी साहब, सीमांचल से लड़े अख्तर साहब, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से लड़े इम्तियाज जलील साहब, 3 सीट पर लड़े, 3 में से 2 जगह पर हमको कामयाबी मिली। मजलिस ने औरंगाबाद में 20-25 साल से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सेना के, उनको हरा दिया, ये हमारी ताकत थी। अब देश भर में 350 के ऊपर बीजेपी जीत गई, किसकी वजह से जीती? हम तो नहीं लड़े थे, हम तो 3 जगह लड़े, 2 में जीत गए। तो ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, ये खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्जाम लगा देती है कि आप बी टीम। आपके 4 विधायकों को भी उन्होंने अपने में शामिल किया, वो धोखे से गए। देखिए उन्होंने जमात को धोखा दिया, ईमान का सौदा किया, चंद सिक्कों के लिए ईमान बेच दिया। सीमांचल की आवाम भूलेगी नहीं, सीमांचल की आवाम ने वोट दिया था उनको असद ओवैसी को, सीमांचल की आवाम चाहती थी कि हमारी आवाज़ बने, ओवैसी साहब हमारे लिए न्याय करे, सीमांचल का भला करे, सीमांचल को आगे लेके आए, हर रीत से वो भरोसा करके लोगों ने वोट दिया, वोट लेके चले गए। कोई बात नहीं, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, दुनिया का उसूल है। क्या आप अल्पसंख्यक के वोट से चुनाव जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीतेंगे, जीतेंगे। गुजरात के अंदर हमारा अपसलम के बोले तो हम दलित, सुनिए हमको हमारा दलित भाई वोट देगा, हिंदू भाई वोट देगा, गुजराती भाई वोट देगा, सब हमको वोट देते हैं, क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं। हम संविधान का कत्ल नहीं करते, हम संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उस दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं और लोगों के मसले मसाइल को उठाते हैं। लोग क्यों नहीं देंगे वोट? हम हर इंसान चाहता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बातें करते हैं कम ज़्यादा का इसमें तो नहीं होता, तराजू नहीं है ये, जो हक की बात करता है लोग उसके साथ जाते हैं, जो युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ता है उसके साथ में लोग जाते हैं, जो आज चाहता है कि देश की जो इकोनॉमी तिथर बितर हो गई है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम सवाल करते हैं सरकार से। डेमोक्रेसी ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं सरकार से किसी भी नीति से खुश नहीं हूँ तो मैं उसे सवाल कर सकता हूँ।
सवाल करने वाली भी ताकत चाहिए ना, हम वो ताकत पैदा कर रहे हैं। देखिए असद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक़ नहीं है, प्रधानमंत्री का शौक़ नहीं है, ना मुझको कोई लीडर बनने का शौक़ है, ना नेता बनने का शौक़ है। हम तो आए हैं बिहार में, हम आए हैं गोपालगंज में, यहीं से यहाँ के नेता को तैयार करेंगे। आपके अपने बेटे को, आपके अपने भाई को, आपके अपने बच्चे को तैयार करने आए हैं ताकि वो जाए ऐवान असेंबली में और लोगों के मसले मसाइल जो है वो उठाए। खामोश रहने वाले का नाम मजलिस नहीं है। पार्टी डिसाइड करती है ना कहाँ से चुनाव लड़ना, कहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, ये तो पार्टी की जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। सदर साहब फैसला लेते हैं इसके बारे में। इंशाल्लाह उतारेगा, आपको बताया जाएगा। पार्टी के विधायक जब जा रहे थे तो उस टाइम आप लोग रोकने में रोक क्यों नहीं पाए हुए, उस टाइम क्या बात हुई थी? चुप हुई, छोड़ दीजिए चुप। देखिए अगर कोई भरोसे का कत्ल करे तो उसका आप क्या कर सकते हो, भरोसे के ऊपर थे चले गए धोखा देके। अब जहाँ भी अब सीमाचल की जनता चुनाव आएंगे ना आगे भी, अब जो जनता आपको कंधे पे बिठाने की ताकत रखती है, आपको इख्तदार की कुर्सी में बिठाने की ताकत रखती है, वो जनता आपको उस कुर्सी से उठा के फेंकने की भी ताकत रखती है। अगर आपके साथ कोई धोखा करेगा तो आप भूलोगे नहीं, आप दिल जहन में उसको याद रखोगे, सही टाइम पे आप उसका जवाब दोगे। चुनाव आएगा सही टाइम पे, मुझे यकीन है सीमांचल की जनता उनको जवाब दे। तेजस्वी यादव आपके पार्टी को बी टीम बोलकर चले गए, पार्टी वाले भी बी टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे, और लोगों के जहन में भी भर दिया गया है कि आप लोग बी टीम है। बी टीम जो लोगों के जहन में और पार्टी के नेता के अंदर है, वो जो उनके जहन में चल रहा है उसको निकालने में आप लोग सक्षम क्यों नहीं है? देखिए अभी ये बी टीम बोला उन्होंने, लेकिन जो ए टीम के मेंबर थे वो तो उनके कैप्टन बन गए आके, ये तो बिना पेंदे के लोटे हैं ना। आज नीतीश जी को पकड़ लिया साथ में, नीतीश जी को बना दिया सीएम, इनको मौका मिला तो ये उसको अटैक के भी सीएम बन जाएंगे, और कुछ भरोसा नहीं नीतीश जी का। प्रशांत किशोर ने बोला ना कुछ भी हो सकता है। तो ये बी टीम सी टीम ये इसलिए इन लोग बोलते हैं क्योंकि इनको एक डर और घबराहट है कि इतने बरसों से जो इन लोगों ने लोगों के वोट लिए मगर लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, अब वो नहीं चलेगा क्योंकि इतने बरसों में लोगों के पास, बिहार की आवाम जनता के पास एक कोई ऑप्शन नहीं था। आज बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार की जनता देख रही है कि नहीं, सबको चांस दिया, सबने धोखा दिया, एक मरतबा MIM को आजमा कर देखें, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दे, उनकी ताकत को मजबूत करें, शायद बिहार का काम अच्छा हो जाए। और मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ हम गए लोगों ने हमको मोहब्बत और दुआओं से नवाजा। जी, हमारे पड़ोसी हैं, आज से पहले इस दोनों तीन साल से वो जेल में अब तक आपके पार्टी ने क्या किया उनके? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे पार्टी के कुछ जिम्मेदारान ने उनके कॉन्टेक्ट किया है, कुछ जिम्मेदारों ने उनको कॉन्टेक्ट किया। बात सारिन साहब है, उनका पहले केस हम उससे रब्ता हुआ था, एडवोकेट सारिन साहब से रब्ता हुआ था। शुरू में वकालतनामा दिया गया था, फिर उन्होंने डिसाइड किया दूसरे एडवोकेट, और उसके बाद मीरान साहब के लिए पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप राजद से पूछिए, वो राजद का प्रदेश अध्यक्ष वो नौजवान था, क्या तेजस्वी यादव, क्या राजद का कोई टॉप लीडरशिप उसके घर गया, उनकी वालदा को डायलिसिस होता क्या किया? हम तो गए उसके, हम तो एडवोकेट रखे, लेकिन एडवोकेट जो होता है विक्टिम उसके मिजाज से रखा जाता है। हमने आप पता कीजिए एडवोकेट सारिम साहब उसके पहले एडवोकेट। अरे मीडिया है ना, सुनिए मीडिया को सवाल करना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ आपको तेजस्वी से, कि जो फाउंडर मेंबर थे RJD के शाहबुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल हो गया, मरहूम शाहबुद्दीन साहब के घर पे आज तक कोई गया क्या? चलो कोरोना जब था, कोरोना काल में भी घर पे जा सकते थे आप, इयादत देने जाते हैं घर पे, जो आपके साथ रह चुका है, 5 मरतबा का MP है, क्या आपने उनके लिए कुछ भी ऐसा कोई काम किया उनके उनके परिवार के लिए? मेरा सवाल है, पूछना आप उनको। मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूँ, कुछ नहीं किया है उन्होंने, अगर वो कुछ बोलेंगे तो झूठे इंसान है। उनका टारगेट एक ही है कि किसी भी तरह से माइनॉरिटी को ख़त्म करो। देखो आज की तारीख में ना देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, एक होड़ लगी है, एक कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी साबित करना चाह रहे हैं मैं बड़ा हिंदू हूँ, हिंदुत्व की राह पे चले गए, मेजोरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 15 लाख दीपक जला दिए, जबकि वो पूरे 140 करोड़ आवाम जनता के प्रधानमंत्री है, मगर अपीसमेंट कर रहे हैं मेजोरिटी की। राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनेदार हूँ हिंदू, मैं शिव भक्त हूँ, वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं हिंदुत्व की, और उनका बाप बन गया केजरीवाल साहब, आ गए 2 स्टेप आगे। RSS का पिट्ठू है,
आरएसएस के बोलने के ऊपर, अभी नोट के ऊपर बोलते लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो छापे, तो क्या ये मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? तो ये सब अगर इनकी बात करेंगे, माइनॉरिटी के लिए कौन बात करेगा? माइनॉरिटी का अगर कोई लीडर पकड़ा भी गया तो उनका नाम लेने को डर लग रहा है इनको। आज अगर आप देख लो ना, एक तरह से बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है, हिजाब, मदरसा, अजान, नमाज, हर रीत में। आप गरबा खेलिए प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनों में हमको कोई आपत्ति नहीं है। रामलीला करिए स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर आप देखो कि एक अगर मुसलमान किसी कोने में खड़े होकर दो मिनट के लिए नमाज पढ़ लिया तो FIR भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर किस तरह का इक्वालिटी, जबकि संविधान ने तो सबको इक्वल इजाज़त दिया है, सबको इक्वालिटी है, रिलीजन फॉलो करने का सबको अधिकार है। मगर तुष्टिकरण करना, ये इनकी आदत बन गई है। और वो तुष्टिकरण और बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ रही है MIM, तो हम पे इल्ज़ाम आ दिए BT में, CT में, DT में, A से Z तक बोल दो, जनता सब जानती है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया गया, नमाज पढ़ने के लिए कहीं कर किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, लेकिन अगर आप में मुसाफिर है, सफ़र में दो रकात नमाज पढ़ लिए तो क्या फ़र्क पड़े? किसी को तकलीफ दिए बिना गरबा भी खेल सकते, एयरपोर्ट पे ही खेलना है, खेलिए, हमको आपत्ति नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों का फेस्टिवल है, बनाइए आप, रामलीला खेलिए, दिल्ली के Terminal 3 के ऊपर खेला गया, हमने कभी आपत्ति नहीं उठाई, करिए। मगर जहाँ पर हमारा ये सवाल है, देखिए हिंदुस्तान जो है ना अपना, इसका कोई रिलीजन नहीं है, ये सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम दुआई देते हैं, गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, सब मिलके रिलीजन बनाते हैं आपस का, एक दूसरे का फेस्टिवल सब मिलके बनाते हैं। मगर भाजपा सरकार किसी ना किसी तरह चाहती है माइनॉरिटी को ख़त्म कर, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़े और उनके समर्थन में उतर गए। ये सब हिंदुत्व की, कौन बड़ा हिंदू उसका वो लगा है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बस आगे करना है, तो फिर संविधान का क्या होगा, इक्वालिटी का क्या हो? और हम लोग आ रहे हैं इक्वालिटी की बात करने, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करने, और चुनाव लड़ने का भी मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो। आज माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है बिहार में? 18% माइनॉरिटी है पूरे बिहार में। कितने मिनिस्टर है बताइए आप मेरे को पूरे माइनॉरिटी में? मैं आपको डेटा बताता हूँ, नीतीश कैबिनेट में 18% मुस्लिम में खाली 5 मिनिस्टर, 18% में 5 मिनिस्टर। तो क्या कोई मुसलमान ऐसा है नहीं बिहार में जो मिनिस्टर तब बन सके? ये चाहते नहीं कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन, हम चाहते हमारे लोग जीत कर जाए और बराबर मुकाबला आगे लाना चाहिए ना। जो जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहता है सत्ता में, सरकार में, वहाँ के लोग भी आगे बढ़ते, देखा गया है, आंकड़ों से पता चलता है, डेटा से पता चलता है। जी अपील यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, संविधान को मजबूत करिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करिए, अपने हल्के से अपने आप के जिता कर भेजिए अब्दुल सलाम साहब को, जो आपके मसले मसाइल से पूरी तरह से वाकिफ़ है और जो इतना सक्षम है कि आपकी तरफ से विधानसभा में जाके लड़ सकता है और आपके डिमांड पूरा करवा सकता है, तो ऐसे को चुनकर भेजिए। ओवैसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे? और नहीं आएंगे तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आप लोग इस इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे हैं? इलेक्शन को तो बहुत सीरियस ले रहे, जब हमारी पूरी टीम यहाँ हैदराबाद, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, नहीं इनको सवाल पूछने का सिर्फ अधिकार है MIM से, बाकी लालू जी को नहीं पूछेंगे। नीतीश जी, नीतीश जी तो घूम रहे हैं ना गोपालगंज में, घूम रहे हैं नीतीश जी, घूम रहे गोपालगंज में, सीरियस नहीं ले रहे। इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि नीतीश जी सीरियस नहीं है, मोदी जी सीरियस नहीं है, लालू जी सीरियस नहीं है, राबड़ी जी सीरियस नहीं है, तेजस्वी साहब तो है ना लालू जी, बताइए ना सीरियस नहीं है क्या भाजपा? नहीं मोदी जी नहीं आए सर, अभी आप बात कर रहे थे अल्पसंख्यकों का, साबुद्दीन की बात कर रहे थे, साबुद्दीन की याद आपको चुनाव में और आज ही क्यों आ रही है मुझे बताइए? नहीं, साबुद्दीन साहब की याद हमको हमेशा से आती थी। देखिए हम तो मैंने किस विषय में बताया माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, किस विषय में मैंने बताया कि RJD का जो असली चेहरा है पब्लिक के सामने लाना ज़रूरी है, कि आपका फाउंडर मेंबर जो 5 वक्त का सांसद रह चुका है, 2 वक्त का विधायक रह चुका है, उसका इंतकाल हो जाता है। आप दिल्ली में रहते हो मगर आपके पास इतनी कर्टसी नहीं है कि आप उसको जाके मिलो या उसकी फैमिली वाले को आप प्रोत्साहित करो कि ठीक है हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं। तो मतलब आपका पॉलिटिक्स और पॉलिसी एक ही है, यूज़ एंड थ्रो, हमारा नहीं। हम इंसानियत में मानते हैं और एक हर इंसान में पहले तो इंसानियत भी तो होना चाहिए ना सर।
सियासतदार तो बाद में बने, पहले तो इंसान पैदा हो गए ना। तो आप अगर इतने गद्दावर नेता को साइड में कर सकते हो, उसकी फैमिली को, तो दूसरे क्या गारंटी कि आप दूसरे को इज्जत दोगे या उसका सम्मान करोगे, जिसका देखिए ना 18% होने के बाद भी सिर्फ 5 है। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता के सामने आना चाहिए आपके जरिए से, तभी तो जाके मालूम पड़ेगा ना कि असल बी टीम कौन है और ए टीम कौन है। ये मिली भगत में काम हो रहा है। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक इंसाफ न्याय की बात करती है तो इल्ज़ाम लगाते हैं, लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जनता डिसाइड करेगी किसके साथ जाना है। और सीमांचल का रिजल्ट आपके सामने देख चुके हैं आप, हमको दुआओं से नवाजा। अंतिम सवाल, मुद्दा क्या है आपका, इस मुद्दे पर लोग कमिश कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट का मुद्दा है, फिर हिस्सेदारी का मुद्दा है। हिस्सेदारी मिलना चाहिए, अगर 18% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है बिहार के अंदर, तो यहाँ का भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर। और जो इतने बरसों से यहाँ पर सत्ता में रहे और काम नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग जीत कर आए और लोगों का काम करें, यही मेन मुद्दे। क्या लगता है आपको कि मिनोरिटी के वोट से ही आप बीजेपी को माला मान पाएंगे? झा जी बगल में बैठे हैं, अब ये देखो पूरा ये हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में बैठे हुए, पूरा टीम चल रहा है, पूरा उनका हर पंचायत यहाँ से 25-30 साल से मिलता है। नहीं नहीं, और आप बताइए झा जी जो हैं, मेरा जो कैंडिडेट गुप्ता साहब जो हैं, कहाँ थे कल 2020 में आरजेडी के स्टेज पर थे? अरे नीतीश जी कहाँ थे? नीतीश जी तो वहीं थे ना, भाजपा का वोट मांग रहे थे, वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से वहाँ चले। वास्तविकता में सेक्रेटरी में अगर देखना है आपको तो AIMIM में है। ये सुनो, ये लिखो, क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो बगुला पंडित है, वो कहता है कि मैं मछली खाना छोड़ दिया, फिर मछली का शिकार कर रहा हूं। वो है आरजेडी, वो है जदयू, हमारी पार्टी। अगर हम तिलक लगा के आएंगे।